नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। मैं अंग्रेजी की कहानियाँ हिंदी में सुनाता हूँ। तो आज की कहानी द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट वन के राइटर डेबरा काउली की लिखी कहानी एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट को हम लोग सुनेंगे। तो इस कहानी में हम लोग जानेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि डिसेबल्ड थी। फिजिकली डिसेबल्ड होने के बाद भी उन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया जो कि बहुत सारे लोगों को अचीव करने में दो जन्म लेने पड़ सकते हैं। वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे, तो पढ़ने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि गॉड जो हैं वो किसी से अगर हियरिंग ले लेते हैं या फिर कोई भी उनका जो सेंस है अगर वो ले लेते हैं तो वो उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देते हैं। तो इस कहानी में एवलिन ग्लेनी जो थी वो हम लोग जैसा सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन जो हम लोग सुनते हैं उसे वो महसूस करती थी और हम लोग से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा डीप से। तो इसी के कारण वो अपने म्यूजिक को इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती थी, इतने सुंदरता से। तो इस कहानी में हम आज जानेंगे एक पर्सन के बारे में जिसने अपने फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ाई लड़ा और अपने जीवन में वो सक्सेस बनी, और उनका सक्सेस स्टोरी जो कि एक इंटरव्यू पे आधारित है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था, मतलब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे रश आवर था, मतलब जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है उस समय था, और जो भीड़ थी वो एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रही थी। एक छोटी सी पतली लड़की जो कि बहुत यंगर दिख रही थी, लगभग 17 ईयर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड भी थी, और वो उसकी ओर आते हुए जो ट्रेन थी उसके वाइब्रेशन को वो फील कर सकती थी क्योंकि वो सुनती नहीं थी। और वो जो था उसका फर्स्ट डे था कहाँ का, तो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है वहाँ का। और वो एज अ टीनेजर स्कॉटिश फॉर्म से पहली लड़की थी, इस कारण से थोड़ी डरी हुई भी थी, लेकिन उसके अंदर एक इंस्पायरिंग म्यूजिशियन बनने का इच्छा था कि भविष्य में वो एक म्यूजिशियन बने, इसलिए इतने बड़े चैलेंज तो उसे लेने पड़ते। एक और कमी उसके अंदर क्या थी कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से डीफ थी, मतलब वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी। तो इवलिन ग्लेनी ने अपने हियरिंग, मतलब जो उनका जो हियरिंग था उसको लगातार वो लॉस करते जा रही थी, धीरे धीरे उनका जो सुनने का शक्ति था वो खोते जा रही थी। उनके माँ को याद है जब वो नोटिस कर रही थी कि उसके साथ कुछ हो रहा है, कब, तो जब वो 8 साल की थी इवलिन, तब वो नोट की कि वो वेट कर रही थी पियानो का कि उनका जब बारी आएगा तो वो पियानो बजाने जाएंगी। तो जब उनका नाम पुकारा गया फिर भी वो मूव नहीं की, मतलब वहाँ से हिली डुली नहीं, तभी उसकी माँ ने ये नोटिस कर लिया था, ये महसूस कर लिया था कि ज़रूर इन्हें सुनने में कोई दिक्कत हो रहा है। तो उनकी माँ कहती हैं, जिनका नाम है इजाबेल ग्लेनी, तो कुछ दिनों तक इवलिन ने किसी तरीके से अपने बहरेपन को, जो डिफनेस था उनका जो बढ़ रहा था, उसको छिपा करके रखा अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, जब वो 11 ईयर्स की हो गई, तब उनके हेड मिस्ट्रेस जो थी, मतलब कि प्रधानाध्यापिका जो थी, उन्हें ये बात का जानकारी हुआ और उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनको बोला कि आप किसी स्पेशलिस्ट को जा करके इन्हें दिखा दीजिए। और तब ये डिस्कवर्ड हुआ, मतलब जब डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराया गया, तब डॉक्टर ने बोला कि इनका जो हियरिंग का जो पोटेंशियल है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्यों? तो एक जो नर्व है उनका, जो नस है जो कि सुनने की शक्ति प्रदान करती है, वो धीरे धीरे वो डैमेज होते जा रहा है। और उनको डॉक्टर ने ऐसा एडवाइस किया कि इन्हें हियरिंग एड फिट किया जाएगा तभी ये सुन पाएगी, और इन्हें डीफ के स्कूल में भेजा जाना चाहिए क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ ये नहीं पढ़ सकती है। तो उनके आंखों के सामने ऐसा लगा जैसे कि अंधेरा छा गया। एवलिन को लगा कि अब तो वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका क्या था कि वो म्यूजिक की तरफ जाना चाहती थी, म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, लेकिन अब सुन ही नहीं पाती तो वो सीखती कैसे। लेकिन उन्होंने अपना
मतलब जो उनका लक्ष्य था उसको कभी भी त्यागा नहीं, और उन्होंने नॉर्मल लाइफ जीने का डिटर्मिनेशन कर लिया कि मुझे भी आम लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीना है, और जो उनका इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसको आगे लेकर के जाना है। तो एक दिन वो नोटिस करती हैं कि वो जाइलोफोन जब बजाते रहती हैं तो वो और बजाना चाहती, वो चाहती हैं कि और जाइलोफोन बजाएं। तो जाइलोफोन इस तरीके का फिगर में आपको दिख रहा है, इस तरीके का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो जाइलोफोन और ज़्यादा बजाना चाह रही थी, और बहुत सारे टीचर्स जो थे उसको हतोत्साहित करते थे, डिस्करेज करते थे कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मतलब म्यूजिक के फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगी। लेकिन एक प्रिकॉशनिस्ट थे जो कि जिन्हें कहा जाता है, मतलब एक पर्सन जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, वो थे रॉन फॉब्स, जिन्होंने इनके अंदर के पोटेंशियल को पहचाना, यानी एवलिन के जो पोटेंशियल था उसे पहचाना, और उन्होंने उनको सिखाना शुरू कर दिया म्यूजिक। तो वो शुरू में किए क्या कि दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उन पे अलग अलग नोट्स बजाया, मतलब अलग अलग धुन दोनों पे बजाया, और उन्होंने उनको बोला इवलिन को कि तुम अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि कान से तो वो सुन ही नहीं सकती थी। उनको कहा गया कि आप इसे सेंस करना सीखो कि किस तरीके से आप इसे सेंस कर पाओगी, मतलब कैसे आप समझ सकती हो। तो सडनली उनको ये महसूस हुआ कि वो क्या कर रही हैं कि हायर ड्रम जो था वो बज रहा था, तो उसको अपने कमर के ऊपर से और लोअर जो पार्ट है उससे वो उसको फील कर रही हैं, उसको महसूस कर रही हैं। तो फोर्थ जो टीचर थे वो बार बार ये इस चीज़ को रिपीट करते रहे, वो एक्सरसाइज को, और जल्द ही एवलिन को पता चल गया कि वो अब जो कुछ कुछ अलग अलग जो नोट्स हैं तो उसको अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वो सेंस कर रही है, मतलब कुछ धुन जो ऊंचा है, कुछ कम वाला धुन है, वो सारे धुन को वो फील कर रही थी। सुन तो नहीं सकती थी लेकिन उन सारे चीज़ों को फील कर रही थी। और वो कहती हैं कि मैंने अपने माइंड को ओपन करके सारा चीज़ सीखा है, तो जो भी जो सीखा है अपने बॉडी से, जो साउंड से और वाइब्रेशन से सीखा है, और जो बच गया वो मेरा कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन म्यूजिक के तरफ जो था, जिसके कारण मैं सीख पाई। उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा आगे बढ़ते रहीं, और उन्होंने वो यूनाइटेड किंगडम का भी दौरा कर चुकी थी जब यूथ ऑर्केस्ट्रा का वो पार्ट थी, जब उनका एज कितना था तो केवल 16, तभी वो यूनाइटेड किंगडम भी गई थी। और उसी समय उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब म्यूजिक में ही अपना लाइफ बनाना है। तो उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, और हाईएस्ट मार्क्स, मतलब उस एकेडमी के हिस्ट्री में लोगों का जितना मार्क्स आता था उसमें एवलिन का हाईएस्ट मार्क्स आया, और वो जो ऑर्केस्ट्रा वर्क्स था, सोलो परफॉर्मेंस, मतलब एक अकेले वो परफॉर्मेंस देती थी, उसको वो जारी रखी। और जब 3 ईयर कोर्स उनका ख़त्म हुआ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, तो उन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला, मतलब जितना भी अवार्ड मिलता था किसी भी स्टूडेंट को उसमें से बहुत सारे अवार्ड्स मिले। और इन सब के लिए एवलिन कभी भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती है कि मैंने कोई हीरोइक अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, मैंने कोई साहसिक कार्य किया जिसके कारण मुझे ये सारा चीज़ मिला। वो कहती हैं कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे और यदि आप जान रहे हो कि मुझे कहाँ जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। और उसके बाद वो भी अपने सही जगह, मतलब जहाँ टॉप था उस जगह पे पहुँच गई, और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला उनका मल्टीप्रिकॉशनिस्ट जो ऑडिशन, मतलब जो ऑर्केस्ट्रा होता था, जो प्रोग्राम होता था, उसमें सबसे ज़्यादा लोग सुनते थे इनके म्यूजिक को, क्योंकि ये बहुत सारे वाद्य यंत्र को बजाती थी, और लगभग 1000s इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने मास्टरी हासिल कर लिया था, और जिसके कारण इनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश ये हमेशा जाते रहती थी, हमेशा ये बिजी ही रहती थी। तो अब इनका जो क्यूरियस था, मतलब इवलिन का जो फंक्शन था उसके लिए लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे देखने के लिए कि कोई लड़की जो कि बिना सुने हुए इतना अच्छा म्यूजिक कैसे बजा सकती है। और इनसे जो 2 घंटे का डिस्कशन हुआ, मतलब जो इनका इंटरव्यू हो रहा था, तो इनमें जो 2 घंटे का डिस्कशन जो डेबरो कॉली
कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब मैं इनसे बात कर रहा था तो एक वर्ड भी ये मिस नहीं करती हैं, मतलब हर एक वर्ड को ये समझ जाती हैं बिना सुने हुए। और वो बताती हैं, हंसते हुए बताती हैं कि वैसे इंसान से बात करने में मुझे थोड़ी परेशानी होती है जिनके बड़े बड़े दाढ़ी होते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते रहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। और वो बोलती हैं कि सुनना केवल मैं लिप्स को देख करके ही नहीं सुन पाती, बल्कि पूरे फेस को देखती हूँ, स्पेशली आइज को। और उसके बाद वो जो बोलती हैं वो स्कॉटिश भाषा में बोलती हैं, और वो भी बिल्कुल फ्लॉलेस, यानी बिना रुके हुए और बिना कोई मिस्टेक किए हुए। तो वो बताती हैं कि उनका जो स्पीच है वो इतना क्लियर इसलिए है क्योंकि वो 11 साल तक थोड़ा सुन सकती थी, मतलब 11 साल तक उनको सुनने का शक्ति जो था वो समाप्त नहीं हुआ था। लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं कि किस तरीके से उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखी और जो बेसिक जापानीज है उसमें मास्टरी हासिल की। तो म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेन करती है कि ये जो म्यूजिक है वो मेरे पूरे शरीर के हर एक पार्ट्स में उड़ेल दिया गया, मतलब हर एक पार्ट्स में भरा हुआ है, और ये मेरे स्किन से मेरे शरीर में जाता है, मेरे चिक बोन से और मेरे बालों से भी, मतलब जो हेयर्स हैं उससे भी। और उसके बाद जब वो जैलोफोन को प्ले करती हैं तो वो अपने फिंगर टिप से, यानी जैलोफोन का जो स्टिक रहता है उसको जब अपने फिंगर प्रिंट से बजाती है तो उस फिंगर टिप से वो उनके शरीर में प्रवेश करता है उसका जो म्यूजिक है सो। और वो जब उसकी ओर झुकी हुई रहती है ड्रम की ओर तो वो फील कर सकती है उसका जो धुन है वो उनके शरीर में फ्लो करते रहता है, ऐसा लगता है कि उनके पूरे शरीर में वो बह रहा है। और जब वो परफॉर्म करती हैं तो अपने पैरों से जूते उतार देती हैं और जो वुडन प्लेटफॉर्म रहता है, लकड़ी का जो तख्ता रहता है, उस पे अपने नंगे पांव रख देती हैं ताकि वो अपने नंगे पांव से म्यूजिक को फील कर सकें, जो कि ऐसा लगता है कि उनके पांव से होकर के शरीर के ऊपरी भाग में आ रहा है। तो अब और ये सरप्राइज होने का भी बात नहीं है कि एवलिन जो है वो अपने ऑडियंस को भी खुश करती है। तो 1991 में हुआ क्या कि जब ये इन्हें एक प्रेस्टिजियस स्कॉलिस्ट ऑफ द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, यानी कि एकल परफॉर्मेंस के लिए जो अकेले लोग परफॉर्म्स करते हैं उनके लिए इन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है। और मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स एक हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने किसी का अगर हियरिंग ले लिया है, मतलब सुनने की शक्ति ले ली है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें भगवान जरूर देते हैं, और जो हम लोग सुनते हैं उसे ये फील करती हैं, महसूस करती हैं, और हम लोग से भी ज़्यादा डीपली, यानी हम लोग से भी ज़्यादा गहरे तौर पर। और ऐसा इसलिए और इसी कारण से ये म्यूजिक को इतनी सुंदरता से एक्सप्रेस कर पाती हैं, व्यक्त कर पाती हैं। तो एवलिन अपने आप को ये मानती हैं कि वो वर्कहोलिक है, यानी कि काम के प्रति बिल्कुल सजग, हमेशा वो चाहती हैं कि वो काम करते रहें। और वो बोलती हैं कि मुझे केवल क्या करना है कि काम करना, मैं काम की हूँ कितना, तो जो क्लासिकल म्यूजिशियन है उनसे भी कठिन परिश्रम उन्होंने किया है, और इसका अवार्ड भी उन्हें, रिवार्ड भी मिला है इसके लिए, उन्हें बहुत ही इनाम भी मिला, और जो उनका जो प्रैक्टिस था जिसके कारण उन्हें फल मिला, जिसके कारण वो इतना सारा इंस्ट्रूमेंट को बजा पाती हैं। और रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा इवलिन करती क्या है कि फ्री कंसर्ट्स देती हैं, कहाँ, तो प्रिजन में और हॉस्पिटल में, यानी कि जेल में वो जाती हैं और कैदियों के लिए म्यूजिक देती हैं, बजाती हैं, और हॉस्पिटल में जो रोगी रहते हैं उनके लिए। और वो हाई प्रायोरिटी देती हैं उन क्लासेज को जिसमें कि वो छोटे छोटे म्यूजिशियन को म्यूजिक सिखाती हैं। एनी रिचलिन जो कि बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन की हेड हैं, वो कहती हैं कि ये जो है एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, यानी कि एक उनके लिए प्रोत्साहन है, किनके लिए, तो बहरे बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते हैं। और वो देखती हैं कि कोई There is nowhere that they can't go. और वो कहते हैं जो भी डीप बच्चे हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते हैं, बस इनके इंस्पिरेशन के कारण। एवलिन ग्लेली जो हैं उन्होंने अब इतना चीज़ प्राप्त कर लिया है अपने इस जीवन में कि लोगों को
ऐसा प्राप्त करने में 2 बार जन्म लेना पड़ सकता है। वो उन्होंने क्या किया कि प्रिकॉशन को, यानी कि जो भी वाद्य यंत्र हैं जैसे कि तबला हो गया, ढोलक हो गया और भी हारमोनियम वगैरह, उसको ऑर्केस्ट्रा से भी आगे लाया और उन्होंने कहा कि ये जो है वो मूविंग है, मतलब इस चीज़ का यूज हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज़ जो है वो पुराना हो चुका है, अब ऑर्केस्ट्रा नया आ गया है। और वो इंस्पिरेशन है उन सभी हैंडीकैप्ड के लिए, उन लोगों के लिए जो कि इनको देखते हैं, और वो कहते हैं कि यदि यह कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, तो वो क्यों नहीं। और सबसे अंत में कहा है कि इन्होंने लगभग मिलियंस ऑफ लोगों को खुशी प्रदान की है अपने म्यूजिक के थ्रू। तो यहाँ जो पार्ट वन जो चैप्टर था, चैप्टर का पार्ट वन वो समाप्त होता है। अगला पार्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।